students, welcome to the channel Physics by Dr. Jiggs. And I am Dr. Jigyasa Sharma, your friendly motherly guide. Aaj hum dekhenge functioning of the microscope. What is the aim of the microscope? Kaam kya karta hai microscope aakhir mein? The aim is to get a magnified image of the object at a distance so that it can be viewed comfortably. तो जो भी ये छोटा सा लाल टमाटर सा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसे हम मैग्नीफाई करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, और साथ ही साथ जो इमेज बनेगी दैट इज ऑलवेज एट अ कंफर्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम द आई. तो अभी जब डिजाइन करेंगे इसकी, जब आप डिजाइनिंग देखेंगे माइक्रोस्कोप की, तो आप देखेंगे कि इमेज हमेशा कहाँ बनाई जाती है, उस डिस्टेंस पे बनाई जाती है आंख से जहां से वो कंफर्टेबली हम देख पाए. नाउ फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. बेटा जब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात आती है तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, इट इज बेसिकली अ बायकॉन्वेक्स लेंस. बायकॉन्वेक्स लेंस आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अगर एक ये बायकॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को आप फोकस से पहले रख दें, बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो आपको इमेज कैसी मिलती है? आपको इमेज मैग्नीफाइड मिलती है. तो मैग्नीफाइड इमेज अगर आपको लेनी है तो बायकॉन्वेक्स लेंस में द लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट वन फोकल लेंथ अवे और लेस. वन फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे मिलेगी, काफ़ी बड़ी मिलेगी, और या फिर फोकस से पास में रखोगे तो भी आपको काफ़ी बड़ी और काफ़ी दूर मिलेगी इमेज. द आई इज पोजिशन क्लोज टू द लेंस ऑन द अदर साइड, और आप यहाँ से उसको देखते हैं. तो अभी भी आपने इस तरीके का अगर ये लेंस यूज किया है तो देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक पेपर के ऊपर छोटा छोटा कुछ लिखा है, उसको आप इनलार्ज करके देखना चाहते हैं, तो आपको ये एक बायकॉन्वेक्स लेंस जो आपका है, ये मैग्नीफाइंग लेंस, इसको पेपर के काफ़ी पास रखना पड़ता है. पास क्यों रखना पड़ता है? ताकि इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए. दूर रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को तो ये मैग्नीफाई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी केस में मैग्निफिकेशन आपको मिलती है. सो बेसिकली कोई भी एक बायकॉन्वेक्स लेंस है और अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, देन दिस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. अब सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा है भाई? देखने में माइक्रोस्कोप हमेशा हमें दिमाग में आता है कि कुछ इस तरीके से होगा. तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर लेंस लगा है माइक्रोस्कोप में, ये रहा हमारा बायकॉन्वेक्स लेंस, ये हमने यहां से देखा और हमको एक बड़ी सी इमेज दिखाई दी जो कि इरेक्ट है, राइट? इस तरह से ना देख करके रे डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे सारे. नाउ व्हाट इज द कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर द आई? अभी हम कह रहे थे ना कंफर्टेबली दिखाई देना चाहिए. हमें पता है कि हमारी आई मसल्स कब रिलैक्स होती हैं. हमारी आईज की मसल्स तब रिलैक्स होती हैं जब हम दूर का कुछ देखते हैं. जब ऑब्जेक्ट दूर है, आप दूर का कुछ भी देख रहे हैं, तो सिलरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, और जिससे जैसे आप पास का देखने लगते हैं तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है. तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो स्ट्रेन पड़ता है. तो कहाँ तक मसल्स कंफर्टेबली फिर भी देख सकती हैं? दैट इज 25 सेंटीमीटर. एक हेल्दी आंख के लिए 25 सेंटीमीटर तक तो आप देख सकते हो. अब कभी देखना हो 25 सेंटीमीटर के बाद आप और आंख के पास ला के देखो अपने हाथ को, तो बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, कई बार तो दो दो भी दिखने लगेंगे. तो इसलिए कंफर्टेबल डिस्टेंस क्या है? जितना दूर हो सके उतना अच्छा है आपके लिए, उतना कंफर्टेबली देखते हैं, है ना? कहते हैं ना, जैसे आप अभी जब गैजेट्स पे कुछ काम कर रहे हो, आप फोन पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो डॉक्टर्स कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में आप खिड़की के बाहर देखो. क्यों देखो? क्योंकि जब आप खिड़की से बाहर देखोगे, दूर का कोई पेड़ देखोगे, दूर कहीं होराइजन होगा या कोई बिल्डिंग होगी, तो आंख रिलैक्स होती है. जितना दूर का देखते हैं उतनी ही आंख रिलैक्स रहती है. तो यहाँ पर जितनी भी डिजाइनिंग हम करेंगे माइक्रोस्कोप की, वो ये लेकर के करेंगे कि हमारी इमेज जो है जितनी दूर हो सके उतना बने, कम से कम इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बने, इससे पास नहीं बने आंख से. ये बात ठीक है. अब यहां पर हम दो केसेस लेकर के चलते हैं. पहले हमने माना कि इमेज बनी नियर पॉइंट. नियर पॉइंट क्या है? वही 25 सेंटीमीटर, जो हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं. तो 25 सेंटीमीटर पर लगभग ये लेंस से ले रहे हैं, आंख से नहीं. तो अगर लेंस से 25 सेंटीमीटर है, आंख से तो ऑटोमेटिकली दूर हो ही जाएगा थोड़ा बहुत और. तो यहाँ पर लेंस से हमने माना 25 सेंटीमीटर है, तो ये कोई टेंशन नहीं है कि 25 सेंटीमीटर से कम होगा आंख से, है ना? तो इमेज लिया नियर पॉइंट पर. अब इसकी एनालिसिस देखें, बहुत ही सिंपल है. मैग्निफिकेशन क्या होती है? वी बाई यू, तो वी इंटू वन बाई यू से लिख दिया. अब यहाँ पर ये लेंस फॉर्मूला काम में आएगा. पूरे माइक्रोस्कोप की एनालिसिस में आप देखोगे कि लेंस फॉर्मूला आपको काम में आएगा बार बार. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेंस फॉर्मूला ही है हर क्वेश्चन की आंसरिंग में, और हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको बेसिकली बस इसको पकड़ करके रखना है.
क्योंकि बेसिक लेंस की फंक्शनिंग है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर. तो 1/u को हम 1/v माइनस 1/f लिख लेते हैं. तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ये सब्सिट्यूट करा तो v इंटू 1/v माइनस 1/f जो रिड्यूस होगी 1 - v/f. अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इमेज बन रही है कैपिटल डी पर. तो इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस कैपिटल डी है और नेगेटिव है माइनस डी. क्यों नेगेटिव है, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है कि जो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है, देखो लाइट कहाँ को जा रही है, राइट साइड टूवर्ड्स द राइट, लेफ्ट से राइट, और हम क्या देख रहे हैं डिस्टेंस, लेंस से लेफ्ट में जा रहे हैं. तो हम लाइट की डायरेक्शन से ओपोजिट चल रहे हैं. तो जब आप लाइट की डायरेक्शन से ओपोजिट डिस्टेंसेज लेंगे तो वो डिस्टेंसेज माइनस लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन. तो इसलिए हमारा वी या इमेज डिस्टेंस कितना है, माइनस डी है. यहाँ पर वी की जगह हमने क्या किया, माइनस डी सब्सिट्यूट किया. तो यहाँ पर ये क्या मिल गया आपका मैग्निफिकेशन, 1 + d/f. ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो और आपका इमेज बना है नियर पॉइंट पर तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी, m = 1 + d/f. यहाँ पर अगर डिजाइनिंग की बात करें तो अगर हमको मैग्निफिकेशन चाहिए मान लो 6 गुना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 6 times है. कैपिटल डी 25 cm है. तो यहाँ से सिंपल इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे आप फोकल लेंथ कितनी निकल करके आई, 5 cm. इस तरह से सिंपली आप डिजाइन कर सकते हैं कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप. साथ ही साथ एक चीज और जो आपको देखनी है, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ. यहाँ दिखाई दे रहा है ना इस फॉर्मूला में, एम और एफ का इनवर्स प्रोपोर्शन है. एफ बढ़ाओगे तो एम कम हो जाएगा, एफ कम करोगे तो एम बढ़ जाएगा. इसलिए हमारा जो लेंस है इट शुड हैव अ शॉर्ट फोकल लेंथ. एफ की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि मैग्निफिकेशन ज्यादा हो. मैग्निफिकेशन देखो बेटा, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें भी एक आई पीस हम यूज करते हैं, अभी हम देखेंगे, अभी तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं ना, तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो वहां पर एक आई पीस यूज होगा, एक और लेंस. और वहां पर जो हमें फाइनल इमेज मिलती है वो वर्चुअल मिलती है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई इमेज बन रही है तो उसका साइज कैसे नापोगे, तो लीनियर डायमेंशन उसकी लेनी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती. तो हम डायमेंशंस कैसे लेते हैं या मैग्निफिकेशन कैसे लेते हैं, हम लेते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन. और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या रहती है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. और वो एंगल जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है व्हेन नो लेंस इज यूज्ड. तो ऑब्जेक्ट रखा है आंख के सामने, लेंस हमने यूज नहीं किया तो वो हो गया ऑब्जेक्ट का एंगल. और अगर हमने लेंस को यूज किया है और उस लेंस ने एक इमेज बनाई है तो एंगल जो इमेज बना रही है दैट इज थीटा आई, और थीटा आई अपॉन थीटा ओ विल गिव अस द एंगुलर मैग्निफिकेशन. और ये मैग्निफिकेशन की वो ही वैल्यू होती है जो नॉर्मली हम लीनियर मैग्निफिकेशन में लेते हैं. नाउ व्हेन नो लेंस इज यूज्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस, कैपिटल डी. कैपिटल डी पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेने का क्या कारण है, because this is the object distance at which the unaided eye can form the largest image on the retina. किसी भी आँख के लिए सबसे अच्छा distance है capital D, which is the least distance of distinct vision. किसी भी object को देखने के लिए, तो अगर object को हम capital D distance पे रखते हैं तो retina पर सबसे बड़ी और सबसे comfortable viewing के लिए बनती है image. अगर इस स्थिति में जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कैपिटल डी डिस्टेंस पर, तो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. हमें पता है स्मॉल एंगल्स के लिए द वैल्यू ऑफ एंगल इज नियरली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ दैट एंगल. और यहां से टैन ऑफ थीटा ओ कितना आया, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल डी. नाउ दिस एंगल, ये जो हम लेंगे इसको हम मानेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट नियर द फोकल पॉइंट अगर हमने रखा है, तो फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते हो तो इमेज कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर. फोकस के अगर आसपास होगा, थोड़ा सा और पहले होगा तो इन्फिनिटी से थोड़ी पहले, लेकिन काफ़ी दूर और काफ़ी बड़ी इस तरीके की आपको एक इमेज मिलेगी. F एंड D आर नियर बाय. क्यों है ऐसा, क्योंकि हमने अभी एनालिसिस किया था कि हमने कितना दूर रखा था, कैपिटल D के आसपास रखा था जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे थे. अब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब हम कह रहे हैं कि फोकस पे रखा है तो इसका मतलब F और D लगभग लगभग आसपास है. इमेज इज एट इन्फिनिटी, राइट. अब देखते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट साइड पर जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू इज इक्वल टू माइनस एफ. नेगेटिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पर आप डायरेक्शन ले रहे हो ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट. लाइट किधर जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन है लाइट की. तो लाइट रेज की डायरेक्शन से ओपोजिट अगर आप ट्रेवल करते हो तो लेंस से इधर की तरफ जा करके आप नाप रहे हो U को या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, सो दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने लिया है इक्वल टू द फोकल लेंथ,
तो यू इज इक्वल टू माइनस एफ हो गया. मैग्निफिकेशन हमें पता है क्या होती है, एच डैश अपॉन एच, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जो कि हम वी बाई यू भी लिखते हैं. तो ये एक्सप्रेशन या फॉर्मूलाज जो है इनको यूज करते हुए एच डैश की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू वी बाई यू. अब थीटा आई को अगर आप देखो तो कितना है, अगर हम इमेज को देखते हुए देखें, देखो ये एंगल थीटा आई ये है, इमेज कितनी दूरी पर बनी है, मान लो आपकी वी दूरी पर इमेज बनी है, नेगेटिव लगाएंगे माइनस वी, क्यों, क्योंकि हम लेंस से लेफ्ट साइड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस है आपका माइनस वी पर, ये है आपका एच डैश हाइट ऑफ द इमेज. तो यहां से अगर देखो इस ट्राइंगल से, तो इस ट्राइंगल से टैन ऑफ थीटा आई कितना आ रहा है, एच डैश अपॉन माइनस वी, और टैन ऑफ थीटा आई इज नियरली इक्वल टू थीटा आई, क्योंकि स्मॉल एंगल्स हैं. अब एच डैश की वैल्यू हम ऊपर से यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि आएगी एच इन टू वी बाई यू, तो एच इन टू वी बाई यू एच डैश की वैल्यू ली, अपॉन माइनस वी किया यहाँ पर, तो आपको क्या निकल के आया, ये वी से वी कैंसिल हुआ, आपको थीटा आई मिला एच अपॉन माइनस यू. अब यू अगर माइनस एफ हमने लिया था तो माइनस यू क्या होगा, एफ होगा, तो इसका मतलब थीटा आई की वैल्यू कितनी आई, एच अपॉन एफ. थीटा ओ अभी हमने एक स्लाइड पहले किया था, थीटा ओ कितना था, एच अपॉन कैपिटल डी. थीटा आई कितना आया है अभी, एच अपॉन स्मॉल एफ. इसका मतलब आपको मैग्निफिकेशन कितनी मिलेगी, मैग्निफिकेशन हमने बोला था इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज थीटा आई अपॉन थीटा ओ, और यहां पर इन दोनों इक्वेशन से मैग्निफिकेशन कितनी आई, कैपिटल डी बाय स्मॉल एफ. नाउ दिस इज वन लेस दैन द मैग्निफिकेशन विद द इमेज इज एट नियर पॉइंट. जब नियर पॉइंट पे था तो मैग्निफिकेशन कितनी थी, वन प्लस डी बाय एफ थी. ये इंफिनिटी पर रखने पर कितनी हो गई, ये वाला फैक्टर वन वाला फैक्टर कम हो गया, पर ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर मान लो मैग्निफिकेशन 50 भी है, आपने एक कम किया तो 49 ही तो होगी, बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गई, तो मैग्निफिकेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता. लेकिन जब हम इन्फिनिटी पर इमेज बनाते हैं तो व्यूइंग इज मोर कंफर्टेबल, क्योंकि आंख उतनी ही कंफर्टेबल है जितना कि इमेज दूर है, तो जितना दूर का देखेगी उतना ज्यादा कंफर्टेबल व्यूइंग है. रिकैप ले फटाफट से, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी मैग्निफिकेशन कितनी है, कैपिटल डी बाय स्मॉल एफ, और जब इमेज है कैपिटल डी पर तो मैग्निफिकेशन कितनी है, वन प्लस कैपिटल डी बाय स्मॉल एफ. आगे बढ़ते हैं. अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने बनाया, जो बेसिकली था क्या, बस एक बायकॉन्वेक्स लेंस था, इसकी बहुत लिमिटेड मैग्निफिकेशन होती है, 9 या 9 से कम ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपका फोकल लेंथ और कम होता जाएगा, तो बहुत कम तो हम नहीं कर सकते ना फोकल लेंथ को, कि बहुत ही कम कर दे, तो 9 से ज्यादा नहीं मिल पाती सामान्य तौर पर मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए. अब अगर और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, क्योंकि जब आप कोई मान लो एक प्लांट सेल देख रहे हो माइक्रोस्कोप में, तो उसकी तो 9 गुना से काम नहीं चलेगा ना, उसको तो बहुत ज्यादा आपको बड़ा करके देखना होगा, तभी दिख पाएगा, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट है. और फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम दो लेंसेज यूज करते हैं एक की जगह, और जब हम दो लेंसेज यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये वो असली चीज है जो आपको यहाँ 12th स्टैंडर्ड के लेवल पर पढ़नी है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह का होगा, जहां पर दो लेंसेज हैं, तो एक तो ऑब्जेक्टिव होगा और एक आईपीस, दो लेंसेज रहेंगे. ये जो आपका छोटा सा लाल टमाटर है, अब ये काफी बड़ा करके हम देख पाएंगे. अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कैसे बना है, कैसे क्या क्या है इसमें. पहली चीज, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, दोनों बायकॉन्वेक्स लेंसेज हैं, तो दो लेंसेज हैं, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, बेटा जो ऑब्जेक्ट के पास में है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और जो आंख के या आई के पास में है वो आई पीस है. इस तरह से ध्यान रख लेना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर छोटा होता है कंपेयर टू द अपर्चर ऑफ आई पीस, और जो आई पीस है उसका अपर्चर बड़ा होता है. अपर्चर से आप क्या समझते हो, देखो अपर्चर होती है लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस, ये तो सबको याद होगा. अब वो कैसे है कि मान लो आपने एक लेंस लिया, ये जो ये लेंस लिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा लेंस ले लिया. अब अगर इसकी इसी की फोकल लेंथ का या इसी लेंस का एक हिस्सा, देखो यहाँ जो अंदर वाइट वाला है, हम और ले लें, तो लेंस तो वही है, फोकल लेंथ वही है, बस फर्क क्या है कि इसका आपने छोटा हिस्सा या छोटा टुकड़ा लिया है. जब ये छोटा वाला टुकड़ा होगा तो ये जो लाल वाली रेज आ रही है बस इतनी ही गैदर कर पाएगा ना, और जो ये बड़ा हिस्सा था, जो ये बड़ा वाला लेंस था, ये काले वाला, इसमें कितनी आ रही थी रेज, इसमें अच्छे से, ये जो अगर आप देख रहे हो नीली वाली जो आ रही है रेज, ये पूरी की पूरी गैदर कर पा रहा है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लाइट गैदर कर पा रहा है ये लार्ज अपर्चर वाला लेंस.
और जिसका अपर्चर स्मॉल है वो एक छोटे रीजन में लाइट ले पा रहा है, बस इतना डिफरेंस होता है। इसमें कभी भी अपर्चर का डिफरेंस है तो ऐसा नहीं होता कि फोकल लेंथ का भी डिफरेंस हो। अब जो ऑब्जेक्टिव है और आईपीस है दोनों की ही फोकल लेंथ स्मॉल रहती है एंड आर फिटेड एट फ्री एंड्स ऑफ टू स्लाइडिंग ट्यूब्स एट अ सूटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से होता है कि वो ट्यूब को आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस वेरी हो सकता है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ओ इज लिटिल शॉर्टर देन दैट ऑफ द आईपीस ई। तो ये जो आईपीस है इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव से, ये भी ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नाम है तो ऑब्जेक्ट के पास है, एक आईपीस होगा, क्यों, क्योंकि वो आई के पास है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो है छोटा होगा कंपेयर टू द आईपीस, आईपीस का अपर्चर बड़ा होगा, मतलब ये लंबा लेंस है ये छोटा लेंस होगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो होगी वो थोड़ी कम होगी आईपीस की फोकल लेंथ से, ठीक है। अब ये इस तरह से है, एक हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये छोटा सा लाल टमाटर, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास रखा है, दूसरा आईपीस है जो आंख के पास है, और इस कॉम्बिनेशन ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस के कॉम्बिनेशन के कारण एक हमें इमेज मिलेगी इन्वर्टेड। अब की बार जो इमेज मिलेगी वो इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ठीक है। कुछ ये जो अभी हमने ये देखा कुछ इस तरह से आएगा, तो पहले ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा ये ऑब्जेक्टिव, और फिर ये जो मैग्नीफाइड इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो आईपीस अब की बार इसको मैग्नीफाई करेगा यहाँ बड़ी इमेज बनाने के लिए। अब एक चीज और जो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो आपका आईपीस है ना ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का एनालाइज किया था आईपीस पूरा का पूरा वैसे ही चलेगा। अब एक और चीज है, यहाँ पर जो आपका सिस्टम है ये आपको इन्वर्टेड इमेज देता है, माइक्रोस्कोप में कोई किसी भी टिपिकल माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड इमेजेस दिखती हैं। अब आपके जो सेल्स वगैरह आप प्लांट्स इंसेक्ट्स और ये सबको स्टडी करते हो माइक्रोस्कोप में अपनी लैब में स्लाइड्स बना करके, उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ता ना, अगर वो इन्वर्ट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि आपको बिल्कुल सही से चाहिए उसको, तो एक इन्वर्टर और बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। अगर कहीं ज़रूरत है कि सीधी देखनी है तो एक इन्वर्टर और लगेगा, ठीक है। वैसे ये इन्वर्टर ज़्यादातर टेलीस्कोप्स में लगाते हैं क्योंकि सामने का पहाड़ या पेड़ अगर उल्टा दिखता है तो प्रॉब्लम आती है ना। वर्किंग देखते हैं, अभी तक काफ़ी आइडिया आपको हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव ने पहले एक रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनाई ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्टिव का जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ये एफ से छोटा नहीं था, अगर इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ से छोटा होता तो ये ही बना देता एक इरेक्ट इमेज यहाँ बड़ी सी, वो नहीं हुआ। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका फोकल पॉइंट यहाँ पर है फोकस, तो फोकस से दूर था ये ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी इसने रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाई इस तरफ ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब ये जो इमेज बनी है एच डैश ये क्या बनेगी, अब ये बनेगी ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए, है ना। अब आईपीस क्या काम करेगा, आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा, क्योंकि ये जो बनेगी इमेज ये इस तरह से बनाई जाएगी कि आईपीस के या तो फोकस पे है या फोकस से पहले है और कम है ये दूरी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस इसके फोकस से कम है या फिर बराबर है। तो जब ऐसा होगा तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, तो ये क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट तो उल्टा ही था ना, तो ये उसके हिसाब से एक इरेक्ट इमेज बनाएगा जो कि इसके हिसाब से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से इन्वर्टेड होगी, लेकिन आईपीस ने एक इरेक्ट इमेज बनाई है, इसने इन्वर्ट नहीं किया, जो इसको ऑब्जेक्ट मिला इसने एज इट इज उसको उसी डायरेक्शन में बनाया है। सो द फाइनल इमेज इज एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल। द फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज इज दस नियर एट और विद इन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस, तभी ये सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा, एट अ डिस्टेंस एप्रोप्रिएट फॉर फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी। तो हम चाहेंगे कि दूर से दूर बने, इन्फिनिटी पर बने हमारी फाइनल इमेज यहाँ, या फिर कुछ कम हो जाए तो कम से कम अगर हो भी तो डी के बराबर। क्लियरली द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। अब
अब हम देखते हैं द लीनियर मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव. दोनों लेंसेज को एक एक करके देखेंगे. पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को. नाउ द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लेंस कितना होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अगर ये हाइट ऑफ इमेज एच डैश देख रहे हैं तो मैग्निफिकेशन इज एच डैश अपॉन एच. साथ ही साथ अगर हम इस एंगल को बीटा मानते हैं तो टैन बीटा की वैल्यू कितनी है? टैन बीटा की वैल्यू अगर हम ये वाला ये देखो, ये वाली हाइट कितनी है? ये एच है. तो अगर ये वाला आप ट्राइंगल देखते हैं, इस पॉइंट को अगर मैं एफ मान लूँ, इस पॉइंट को पी मान लूँ, तो ओ एफ पी ट्राइंगल को देखते हुए टैन बीटा कितना है? टैन बीटा इज एच अपॉन एफ नॉट, क्योंकि ये पॉइंट एफ नॉट है. ठीक है, तो यहाँ से एक बार देखते हैं, ये एच है और इस ट्राइंगल को देखते हुए टैन बीटा इज एच अपॉन एफ नॉट. साथ ही साथ अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, क्योंकि ये कितना था? ये एच डैश था. तो अगर यहां से आप टैन बीटा की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आती है? ये वैल्यू कैपिटल एल है. ठीक है, तो यहां से टैन बीटा कितना आएगा? एच डैश अपॉन कैपिटल एल. नाउ टैन बीटा एक ट्राइंगल से इतना आया है, एक ट्राइंगल से इतना आया है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो जब आप इक्वेट करते हो तो h अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू एच डैश बाय एल, और हमें चाहिए मैग्निफिकेशन h डैश बाय एच. तो h डैश बाय एच कितना आ जाएगा? कैपिटल l अपॉन एफ नॉट. तो इसका मतलब हमारी मैग्निफिकेशन कितनी आती है? कैपिटल l अपॉन एफ नॉट. कैपिटल l क्या है? कैपिटल l यहाँ पर ट्यूब लेंथ बोलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से. तो अगर कैपिटल l को आप देखेंगे तो न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? ये रहेगा आपका VO, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस यहां तक है ना. लेंस से कितनी दूरी पर बना इमेज? ये है VO. अब VO में से अगर आप इसका फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ निकाल दे तो आपको मिल रहा है कैपिटल L. तो L इज इक्वल टू VO माइनस FO. मॉड की जरूरत नहीं है यहां पर क्योंकि FO इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो VO माइनस FO की वैल्यू है कैपिटल L की. तो NCRT के हिसाब से मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू कैपिटल L अपॉन FO, राइट, वेयर कैपिटल L इज V नॉट या VO माइनस FO. अब इसको देखते हैं बहुत जनरली. वो हमने देखा बिल्कुल अभी जो किया है वो NCRT ने जिस तरह से दिया है उस तरह से. अगर आप इसी चीज को लेंस फॉर्मूला से करोगे तभी सेम रिजल्ट आएगा, और वो करना आपके लिए ज्यादा आसान मुझे लगता है रहेगा. कंसेप्चुअली हमें पता है कि 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, लेंस फॉर्मूला. अब ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं तो सारे सफिक्सेस ओ है. अब इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये नेगेटिव है क्योंकि लेंस से लेफ्ट साइड पर है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट. तो यू ओ तो नेगेटिव है लेकिन वी और एफ ओ पॉजिटिव है. ऐसे रखते हुए क्या होगा? यहां पर ये माइनस आ जाएगा तो ये प्लस बनेगा. यहां से अगर आप देखो इसी लेंस फॉर्मूला से अगर यू ओ की वैल्यू नेगेटिव और वी ओ और एफ ओ की वैल्यूज पॉजिटिव रखते हैं तो 1 अपॉन यू इज 1 अपॉन एफ ओ माइनस 1 अपॉन वी ओ, जो कि निकल करके इतना आता है मैथमेटिकली. एलसीएम अगर ले लेते हो, हमें पता है मैग्निफिकेशन कितनी होती है? वी अपॉन यू. ओ सारे सफिक्सेस ऑब्जेक्टिव के लिए चल रहे हैं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाय यू. और वी बाय यू का मतलब क्या है? अब आपने ये जो 1 बाय यू निकाला था इसमें वी मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 बाय यू नॉट में वी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर वी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो वो जो वी मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे वाले वी से कैंसिल हो जाएगी. आपको क्या मिला फाइनली? आपको फाइनली मिला वी ओ माइनस एफ ओ अपॉन एफ ओ. और एल जो वैल्यू यहाँ पर ली है, जो यहाँ पर कहते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है एल को, वो कहती है कि इन दोनों के जहां पर फोकस हैं उनके बीच का डिस्टेंस. तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर इफेक्टिवली आप न्यूमेरिकली देखो तो कितना आता है? इतना वी ओ है और इतना एफ ओ है. तो कैपिटल एल आता है आपका वी ओ माइनस एफ ओ. वी ओ माइनस एफ ओ को कैपिटल एल अपॉन एफ ओ भी लिख सकते हैं आप. तो ये तो बात रही डेरिवेशन की, लेकिन जब कभी भी कोई आप प्रॉब्लम पकड़ेंगे आप कंसेप्चुअली इसी फॉर्मूला से लीजिए. अब ऑब्जेक्टिव को देख लिया, अब हम देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आईपीस, दूसरा लेंस ये वाला. फर्स्ट इमेज जो बनी है, ये जो हमने इमेज बनाई है ये इसके फोकल पॉइंट के आसपास बनाई. अगर इन्फिनिटी पर चाहिए तो एग्जैक्टली फोकस पर, और फोकस से अगर थोड़ा और पहले बन जाएगी तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता हुआ एक बड़ा
इमेज आपको देगा विच इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द आईपीस. अब ये जो डिस्टेंस एल है, अब यहाँ एनसीईआरटी कहता है कि जो डिस्टेंस एल है दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये वाला एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द आईपीस ये वाला पॉइंट जो हम अभी देख चुके हैं कि जो क्या होना चाहिए वी ओ माइनस एफ ओ होना चाहिए. ठीक है, इसको ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है. तो किसी अगर न्यूमेरिकल में आपसे ट्यूब लेंथ निकलवाते हैं तो आपको ये वैल्यू निकालनी है. ठीक है, बट दिस इज नेवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज. बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस अगर निकलवाएंगे तो वो ट्यूब लेंथ देख लेते हैं उसे. ये नहीं है, ट्यूब लेंथ इज डिफरेंट. ट्यूब लेंथ इज वी ओ माइनस एफ ओ. ये डिस्टेंस है दोनों के फोकल पॉइंट्स का डिफरेंस, अ डिस्टेंस सॉरी, कितनी दूरी पर दोनों के फोकल पॉइंट्स हैं. लेकिन दोनों लेंसेज कितनी दूरी पर है वो अलग आएगा, अभी हम आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तब देखेंगे. अब आईपीस के कारण लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, बहुत सिंपली हम कर चुके हैं कि अगर तो डिस्टेंस जो है इमेज का कैपिटल डी है तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी आईपीस की, 1 प्लस डी बाय एफ ई. और अगर इमेज को हम इन्फिनिटी पे बना देते हैं तो मैग्निफिकेशन कितनी होती है, डी बाय एफ ई. राइट, तो ये है जब कैपिटल डी पे बना है 1 प्लस डी बाय एफ ई, और ये मैग्निफिकेशन रहेगी जब इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज. किसके कारण, आईपीस के कारण कर रहे हैं अभी हम. तो हमने अलग अलग तो देख लिया कि ऑब्जेक्टिव के कारण कितनी आई मैग्निफिकेशन, कैपिटल एल बाय एफ ओ, और आईपीस के कारण कितनी आई मैग्निफिकेशन, कैपिटल डी बाय एफ ई. जब आपको टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल. सो दिस इज द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज इक्वल टू एल बाय एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय डी बाय एफ ई. और अगर मान लो ये तो इन्फिनिटी के लिए है, अगर आपका इमेज इन्फिनिटी पर ना बन करके कैपिटल डी पर बन रही है तो क्या हो जाएगा, ये तब हो जाएगा एल बाय एफ ओ इंटू वन प्लस डी बाय एफ ई, सिंपली. नाउ क्लियरली टू अचीव अ लार्ज मैग्नीफिकेशन ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाम ही माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की स्मॉल फोकल लेंस होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है मैग्नीफिकेशन के लिए. तो जैसे ही आप इन दोनों को बढ़ाएंगे, दोनों में से किसी भी एक फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे, एम कम हो जाएगा. सो द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिट्स होती है, उससे छोटा नहीं कर सकते. पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो ये दोनों लेंसेस के बीच की दूरी दी है आपको 15 सेंटीमीटर और इंडिविजुअली इन दोनों के ऑब्जेक्टिव और आईपीस के फोकल लेंथ दिए. हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट ए द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड बी एट इन्फिनिटी. वॉट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस. यहाँ पर बेटा आपको सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना है और अभी तक हमने जितने फॉर्मूलाज देखे हैं, चार फॉर्मूलाज थे सिंपली, दो फॉर्मूलाज थे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाइंड माइक्रोस्कोप के जब इमेज बनती है कैपिटल डी पर, और दो फॉर्मूलाज थे व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी. तो सिर्फ वो वाले फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं, कंसेप्चुअली ये देखना है कि डिस्टेंसेस क्या हैं. यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है. और दूसरी चीज़ है आपको जो ध्यान रखना है कि इन फॉर्मूलाज को लेते हुए जो वैल्यूज हैं, देखो एक ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है. अगर हम साइन कन्वेंशन से देखें तो यू ओ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव का, ये नेगेटिव है, वी ओ पॉजिटिव है. साथ ही साथ आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है. तो इन चारों में दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज हैं और दो इमेज डिस्टेंसेज हैं, इन चारों में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. तो जब इनकी वैल्यूज आएंगी तो ये ध्यान रखना कि सिर्फ वी ओ पॉजिटिव आएगा. साथ ही साथ इन्होंने दिया है कि ये दोनों लेंसेज जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो ये दोनों लेंसेज की दूरी क्या रहेगी, हमेशा वी ओ प्लस यू ई. यू ई क्योंकि नेगेटिव है तो उसका मॉड लेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज विल ऑलवेज बी द इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस. ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है. ये ट्यूब लेंथ एल के बराबर नहीं है, ठीक है. अब ए पार्ट में बोला है कि आपकी इमेज बनी है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर,
तो इमेज डिस्टेंस कैपिटल डी लेते हुए गिवन है, एफ ओ हमें दिया है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है, आई पीस का फोकल लेंथ दिया है, साथ ही साथ वी ओ प्लस यू ई दिया है, जो दोनों लेंसेज के बीच की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर दी है। अब लेंस फॉर्मूला पर आते हैं। जब इमेज कैपिटल डी पर बनी है तो आई पीस का इमेज डिस्टेंस कितना है, माइनस डी, क्योंकि नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पर है, तो और डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो आई पीस का इमेज डिस्टेंस वी ई जो है माइनस 25 सेंटीमीटर आ गया। साथ ही साथ इसका आई पीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप यू ई निकाल सकते हैं, विच इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई पीस। तो आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो 1/UE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE। यहाँ पर ये निकल करके आएगा 1/-25 माइनस 1/6.25। अब बेटा कैलकुलेशंस वापस से हम आपको बताना चाहेंगे, कैलकुलेशंस में कभी भी इनको सॉल्व करके फ्रैक्शनल वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़ निकाल करके माइनस मत करना। आपको इतना दिमाग में ध्यान होगा कि 6.25 इंटू 4 इज 25, है ना। 100 को आधा करते हो 50, 50 को आधा करते हो 25, 25 को आधा करते हो 12.5, और 12.5 को आधा करते हो 6.25। इतना तो ध्यान रहता है सबको। तो 6.25 इंटू 4 इज 25, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जब 1/25 आएगा और 1/6.25 आएगा, तो 1/25 को अगर आप कॉमन ले लो तो दिस इज 1+4, है ना, क्योंकि 25 6.25 के चार गुना है, तो 1/25 का चार गुना होगा 1/6.25। तो इतना अपना अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे और इस तरीके से चलोगे तो बहुत कैलकुलेशंस करनी ही नहीं पड़ेंगी। जैसे ये कॉमन फैक्टर 1/25 निकाला, ब्रैकेट में आ गया 1+4, जो कि कितना होता है 5, तो दिस इज -5/25 विच इज इक्वल टू -1/5। तो 1/UE कितने कंफर्टेबली आप देखो बिना कैलकुलेशन के 1/5 आ गया, और तो इसका मतलब UE कितना होगा, UE होगा -5, और हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई पीस का वो नेगेटिव होता है, तो -5 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई पीस या UE। अब जब आपको UE मिल गया है, D आपको पता है, तो आप V नॉट निकाल सकते हो, या VO ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस कितना निकल करके आएगा, VO ये 5 है, ये 15 है, तो ये आ गया 10। सो द VO कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर, राइट। ये अब जब आपके पास ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस वीओ आ गया, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है आपको क्वेश्चन में ही, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन में मांगा है, उन्होंने पूछा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव से, तो इसका मतलब यूओ मांगा है, तो यूओ आप यहां पर फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आपको यूओ निकल करके आ जाएगा। तो 1/UO इज 1/VO माइनस 1/FO, और UO नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर है, नेगेटिव वैल्यू माइनस 2.5 सेंटीमीटर मिलती है। और मैग्नीफिकेशन, अगर मैग्नीफिकेशन देखें इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कितनी होगी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो होगी इसका V/U विच इज़ VO/UO। मॉड इसलिए लिया है क्योंकि VO तो पॉजिटिव है लेकिन UO नेगेटिव होता है, तो उसका मॉड ले लिया। तो ये पहला फैक्टर है यहाँ पर, दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये जो दूसरा फैक्टर है दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। क्यों? क्योंकि इमेज बनी है कैपिटल डी पर, तो इन वैल्यूज को सिंपली हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, और वैल्यू आ गई हमारी एम की 20। सो द मैग्नीफिकेशन कम्स आउट टू बी 20। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इमेज इज एट इन्फिनिटी। जब इमेज इन्फिनिटी पर है तो दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस ऑफ द आई पीस इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पर 1/VE क्या हो जाएगा, 0, 1/∞ इज 0, तो FE हमें पता है, यहाँ से हम UE की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई पीस कितना निकल करके आएगा, -6.25 सेंटीमीटर। जब UE पता चल गया तो हमें पता है कि VO, जैसे हमने पहले भी किया कि VO इज इक्वल टू डी माइनस UE, क्योंकि डी डिस्टेंस टोटल कितना था, VO प्लस UE, मॉड ऑफ UE, तो यहाँ से VO कितना आएगा, 15 दिया है दोनों लेंसेज के बीच की दूरी, और अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का 6.25 आया है, तो इसलिए इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ से वी ओ की वैल्यू आ गई 8.75 सेंटीमीटर। जब वी ओ की वैल्यू आ गई तो फिर हमें यू ओ की वैल्यू चाहिए, एफ ओ की पता है क्वेश्चन से, तो फिर से वैलेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ कैलकुलेशंस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेंगी, तो यहाँ से लेंस फॉर्मूला में ये वैल्यूज डालने पर आपको यू ओ की वैल्यू मिलती है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो कि निकल करके आ रहा है -2.59। जब आपको यू ओ मिल गया तो वी ओ पता है, यू ओ पता है, और डी अपॉन एफ ई करने पर आपको टोटल मैग्नीफिकेशन मिलेगी। अब की बार ये फॉर्मूला चेंज हो गया है, ये सेकेंड फैक्टर चेंज हो गया है, क्योंकि इमेज है इन्फिनिटी पर।
ये आईपीस का मैग्नीफिकेशन हो गया है सिर्फ डी अपॉन एफ ई, ये वैल्यूज यहाँ डालने पर मैग्नीफिकेशन अब की बार कितनी आ रही है 13.51। तो आप देखो इन्फिनिटी पर जब इमेज है तो मैग्नीफिकेशन कितनी है 13.51, और जब कैपिटल डी पर था तो मैग्नीफिकेशन कितनी थी 20। तो मैग्नीफिकेशन कहाँ ज़्यादा मिलती है, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है। इन्फिनिटी पर करने पर मैग्नीफिकेशन थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कंफर्टेबल डिस्टेंस है तो आई के लिए व्यूइंग आसान हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लर्न करो एनसीईआरटी से, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ, ये देखा था हमने, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर्स में आती हैं फॉर्मूला के, तो आप समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। If it is desired to have a magnification of 30, find out the separation between the objective and eyepiece. अब आपको यहाँ पर दिया क्या है, दो focal lens दिए, अब इसमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव की होगी, कौन सी आईपीस की होगी, ऑब्वियसली छोटी वाली एफ ओ होगी ऑब्जेक्टिव की, और बड़ी वाली रहेगी आईपीस की। अब बेटा एफ ओ दिया है, एफ ई दिया है, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन दिया है। अब मैग्निफिकेशन का आपका एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला यहाँ बहुत काम आएगा, क्योंकि उससे ये आंसरिंग बहुत आसान और बहुत छोटी हो जाती है। अगर आप इसको नॉर्मल यहाँ पर अगर वी अपॉन वी ओ अपॉन ओ यू ओ से चलेंगे तो आपका काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होंगे। अगर एल निकाल लेते हो यहाँ पर, क्योंकि 30 mm दिया है, एफ ओ पता है, एफ ई पता है, डी पता है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल। अब एल की वैल्यू जो है, ये 6.25 निकल करके आई, एल है क्या चीज़, एल है जब ये दो लेंसेज रखे थे तो यहाँ एफ ओ था, यहाँ एफ ई था, और ये एल था। सो दैट मीन्स द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज आप कैसे दे सकते हो, एफ ओ ये वाला पार्ट, एफ ई ये वाला डिस्टेंस, और बीच में क्या है एल। सो एल प्लस एफ ओ प्लस एफ ई विल गिव यू द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, इसको भी ध्यान रखो। तो जैसे ही यहाँ डायरेक्टली एल निकला, एल निकालने के बाद ये दोनों तो नोन थे, आपको सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस 12.5 सेंटीमीटर मिल जाता है आसानी से। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा ये दोनों रे डायग्राम्स, व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी एंड व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपको आना चाहिए, और ये काफी ही पूछे भी जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में।